तो वहीं सीपीआई के वरिष्ठ नेता और हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर, आपको बता दें कि प्रसाद मेहता ने जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार और कोयला खनन क्षेत्र में जमीन की लूट के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। हालांकि 4 फरवरी को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन और राज्य सरकार को आगाह करने की अपील भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हजारीबाग के कोयला खनन क्षेत्र से लेकर सरकारी और गैर मजरुआ भूमि की लूट हो रही है, उसके खिलाफ सीपीआई आंदोलन करेगी। इस दौरान यह भी आरोप लगाए गए हैं कि हजारीबाग के सरकारी पदाधिकारी ने अपने नाम से सरकारी भूमि का स्थानांतरण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार को आपको बता दें कि भ्रमित करने का भी काम किया जा रहा है। हालांकि सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने ये कहा भी है कि अंचल कार्यालयों से लेकर राजधानी क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार मामले में फरवरी महीने में सीपीआई का बिगुल बजेगा। पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के सवाल पर, खनिज संपदाओं के सवाल पर, लूट के सवाल पर लगातार लड़ती रही है और आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए योजना बनाए हैं। 4 तारीख की विस्तारित बैठक जो हम लोग करेंगे तो हम जिला मुख्यालय को घेरने के लिए, उपायुक्त कार्यालय को घेरने के लिए रणनीति बनाएंगे और 14 फरवरी को हम लोग उपायुक्त का घेराव करेंगे। जिस तरह यहाँ से बालू की लूट हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर जितने भी साइडिंग चल रहा है, किसी भी रेलवे साइडिंग में JMIS पोर्टल नहीं है, वह मैंने करोड़ों की घोटाला हो रहा है प्रत्येक माह, या माइनिंग चलान नहीं रहने के कारण जितना ही हाईवा चल रहा है, जितना ही रेक लग रहा है, किसी के पास माइनिंग चलान नहीं है। इन सारे सवाल को उठाएंगे। आंदोलन करने का तय किया, जिसकी तैयारी करने के लिए 4 तारीख को एक विस्तारित बैठक होगी, जिसमें 150 लोग आएंगे। उसके बाद 14 तारीख को, 14 फरवरी को हम जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, जिसमें मुख्य मुद्दा एक तो है भ्रष्टाचार, जो लूट है सब जिला, भ्रष्टाचार जो भयंकर है, लूट है सब जगह, चाहे पुलिस विभाग हो, प्रशासन के लोग हों, या फिर वो विकास के विभाग हैं सब में। आप जिला परिषद में चले जाओ, 20 से 25% जब काम अलॉट होता है उसी समय परसेंटेज पहले ले लेते हैं।